महाराष्ट्र रे मोदीक निर्वाचनी रणहुंकार कांग्रेस नेतृत्वाधीन अघाड़ी मेंट उपरे बरसिले देशवासी को जाति आधारे भाग करुछि कांग्रेस महाराष्ट्र रो विकास केन्द्र रो संकल्प महाराष्ट्र निर्वाचन पूर्वरु धुले और नासिक रे प्रधानमंत्री को माराथन प्रचार विधानसभा निर्वाचन रे एथर महाराष्ट्र रो जनता शत प्रतिशत सठिक निष्पत्ति नेबे एवं राज्य को एक दृढ़ सरकार देवे बोली धुले रे संबोधन करी कहिछंती प्रधानमंत्री। महामेंटर गाड़ी रे चक नहीं किंतु ड्राइवर सीट रे किए बसिबो ताकु नै झगड़ा चलीछि बोली कही आजि धुले रे महाविकास अगाड़ी मेंट दलर पोल खोलिछंती प्रधानमंत्री। आगामी पांच वर्ष रे महाराष्ट्र विकास शीर्ष रे पहुंचिबो महिला शिशु मानंकर सर्वोन्नति एवं राज्यर आर्थिक विकास को सर्वोच्च स्तर रे पहुंचाइबा पई केंद्र सरकार संकल्पबद्ध बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। अगले पांच वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। कांग्रेस का एजेंडा विभाजन महाराष्ट्र धुले रे निर्वाचन प्रचार मंचरु कांग्रेस रा आदिवासी विरोधी नीति को तीव्र समालोचना करिछंती प्रधानमंत्री मोदी। पुणी थरे देशवासी को एक हेबाकु देइछंती आह्वान षड्यंत्र करी देशर आदिवासी संप्रदाय मध्ये विभेद सृष्टि करिबा कांग्रेस रा एजेंडा कहिबा सह धार्मिक राजनीति जोगु देश विभाजन होइतिला बोली कहिछंती मोदी। एबे जातीयन राजनीति करी आदिवासी को एकता भांगिबाकु कांग्रेस चक्रांत करुथिबारु एकजुट होई रहिबाकु जनता को आह्वान देइछंती प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। आज महाराष्ट्र रे प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन प्रचार जारी रही बेले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य महाराष्ट्र रा सिराला ठारे जोरदार प्रचार करी काश्मीर प्रसंग एवं वाकअप बोर्ड को नहीं विरोधी नीति को कड़ा समालोचना करिछंती। महाराष्ट्र विधानसभा 288 सीट पाई 20 नवंबर रे वोट हेबाकु जाउतिबा बेले 23 नवंबर रे मतगणना हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस टीवी। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।